जो मोनोपोली होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर का एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर आपके किसी प्रोडक्ट के सिर्फ एक ही सेलर है। प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट आपका डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक जैसी ही मिलेगी आपको, है ना? ये तो किसके पास है, मान लो अपने हरियाणा में DHBNL और SBNL या हरियाणा गवर्नमेंट के पास है। रेलवे है, भारतीय रेलवे, तो उसमें देखो जो सर्विसेज है आपकी वो देखिए आप किस तरीके से है। भाई फर्स्ट AC भी है, सेकंड AC भी है, सेकंड क्लास भी है, तो हर तरीके से है। एयरलाइंसेज हो गए, एयरलाइंस में चलो और किसी के एग्जाम्पल, वो तो उसके हैं। अब वहाँ पर क्या है, आपका वहाँ पर एक ही सेलर होगा। मोनोपोली मतलब मोनो मतलब वन, मतलब पोली मोनोपोली मतलब कि एक ही आपका सिंगल सेलर है आपका किसी भी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और आपका डिफरेंशिएट भी हो सकता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि किसको सर्व किया जाता है। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे तो आप देखिए, आपसे जो इलेक्ट्रिसिटी है आपको अलग अलग में 220 वाट तक दी जाती है, कहीं और ज़्यादा जहाँ रिक्वायरमेंट है, कहीं 11,000 की सप्लाई हो रही होती है, ठीक है? इसी तरीके से रेट भी अलग अलग चार्ज हो रहे होते हैं। तो हाँ, प्राइस डिफरेंशिएशन होता है, पर मुझे पढ़ाने दो पहले आप, ठीक है ना? हाँ, फिर ऐसे तो आपको सब पता होगा, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, आप सभी B.Com करके आए हो, M.Com करके, लेकिन मैं भी तो पढ़ा, ठीक है? मैं पढ़ा लेता हूँ थोड़ी देर, ठीक है? ओके, उसके बाद है ना, इस एक सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो फीचर है वो कि इसमें ना फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क ही नहीं होता, क्योंकि एक ही फर्म है वही क्या आपकी इंडस्ट्री है, यानी कंप्लीट इंडस्ट्री कंसिस्ट ओनली वन फर्म, यानी देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, खत्म हो जाएगा। अगर देखो अब बात ये आई, अगर जब वही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, एक ही मात्र है, तो सप्लाई वो उसके अपने अकॉर्डिंग करेगा, अपने अकॉर्डिंग सप्लाई करेगा, तो यहाँ पर कोई सप्लाई का भी नहीं होगा। क्यों? उसके अकॉर्डिंग है, दिखाएगा तो दिखा दे सप्लाई, नहीं तो ना दिखाए, सप्लाई का होगा ही नहीं, मतलब एबसेंट होगा सप्लाई का। वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है? मोनोपोली इज ऑल्सो इंडस्ट्री, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है। दो दो तरीके से होता है, या तो कोई लो आपको रेस्ट्रिक्शन लगा देते, या फिर एक ह्यूज अमाउंट चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप लगा नहीं पाते। तो इस तरीके से आपका मतलब क्या होता है कि मोनोपोली आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे के लिए है, और रेलवे में आप लोग पैसे नहीं लगा सकते, तो रेलवे में कौन लगाएगा? गवर्नमेंट लगाएगी, क्योंकि पब्लिक सर्विस है, वो भी कम कॉस्ट पे अवेलेबल करानी है। तो इस तरीके की जो बातें हैं आपकी, एक इंडस्ट्री जो आपके फर्म है ना, वो आपकी क्या है, प्राइस मेकर है। परफेक्ट में आपने पढ़ा कि वो प्राइस टेक करती फर्म और इंडस्ट्री आपके प्राइस मेकर, यहाँ पर क्या है, फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, तो प्राइस मेकर भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि एक ही जैसी चीज़ का अलग अलग ज्योग्राफिकली बेसिस और या कंज्यूमर बेसिस, कस्टमर बेसिस, आप अलग अलग चार्जेस कर रहे हो। एग्जाम्पल्स आपके सामने, रेलवे का एग्जाम्पल है, ट्रेन उसी स्पीड से जा रही है, बस सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपको रेट बढ़ गए। इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो अलग रेट से पे कर रहे हो, कंज्यूमर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अलग रेट से पे करोगे। एलपीजी का है, वो भी इसी तरीके का है। एलपीजी का आपका जो डोमेस्टिक के लिए 1,000 रुपये तक का जाता है, और कॉमर्शियल सिलेंडर आपको 2-3 हज़ार रुपये तक का आता है। तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है, ठीक बात है? ओके, नेक्स्ट आपका आया सप्लाई का होता नहीं है, कंट्रोल रहता है। ये रीजन भी है कि रॉ मटेरियल पे आपका कंट्रोल है, इसलिए आप आपके पास मोनोपोली है। पेटेंट्स करा लेते हो, टेक्निकल बैरियर होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी इस तरीके की होती है कि आप मतलब उसी का कोई एंटर नहीं कर पाए, ठीक है? एक चीज़ और बताओ, क्या मोनोपोली अकेला है, अकेला काम कर रहा है मार्केट में, उसको एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है और वो ये भाई नहीं नहीं होते, लेकिन आप देखते हो कि रेलवे की भी एडवर्टाइजमेंट है, चलो गवर्नमेंट है, फिर भी आप कभी कभी तो रेल की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। मोनोपोली एडवर्टाइजमेंट करके चलता है, मोनोपोली एडवर्टाइजमेंट करके चलता है। क्यों चलता है? वो दिखाएगा कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बताएगा, तो अकेला है तो बताएगा ना कि कहाँ से चीज़ें आ रही है। हाँ जी, ठीक है, हाँ क्या रिक्वायरमेंट है, सेलिंग कॉस्ट जनरेट करेगा, इसलिए उसका डिमांड को भी इसी तरीके से इलास्टिक है। दूध बन रहा है ना, वो ऐसे अपने आप नहीं बन रहा, वो इस तरीके से लेस इलास्टिक, पर
फर्क पड़ेगा प्राइस का पूरा दिखाऊंगा मैं अब आपको आगे, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ नहीं होती है वो नहीं होती सप्लाई को। परफेक्ट में आप गए वहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं परफेक्ट में, ठीक है। अब आगे देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी समझ में आई आपको कि इस तरीके की हो जाती है। लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी, ये देखो क्या होता है लिमिट प्राइसिंग का मतलब, ऐसा होता है रिलायंस जियो आपने देखी है, रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने ये किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिम दे दी, मैं यूज़ कीजिए, डेटा कीजिए, वो कीजिए। मैं आपको इसका एक केस स्टडी बताता हूँ कि ये जितनी भी ये थी ना टेलीकॉम कंपनीज थी, वोडाफोन, आइडिया और जैसे एयरटेल हुआ, और ये जितनी भी आप कंपनीज देखते हो, ये सारी इनका क्या प्लान था कि इन्होंने, क्योंकि ये ओलिगोपोली की कंडीशंस में समझिए, ओलिगोपोली का मतलब कुछ ही पार्ट, कुछ ही फर्म है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, प्लान किया कि अभी लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, कस्टमर बेस बन गया कि सभी तक इन्होंने मोबाइल पहुँचा दिया, डेटा के लिए इनको हैबिचुअल बना दिया। अब इनका टारगेट था कि एकदम से डेटा की जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज किया जाए। आपको याद हो आपको 1 GB डेटा कुछ एक महीने के लिए और काफ़ी रुपये में मिलता था, अब तो जैसे आपको पर डे 1 GB 2 GB इस तरीके से मिलता है, पहले महीने के लिए 1 GB मिलता था, 2 GB मिलता था, और वो भी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी, कुछ 100 रुपये, कुछ 59 रुपये इस तरीके से होती थी। और इनका क्या प्लान था कि एकदम से कॉस्ट को इंक्रीज करके अपना जो भी पीछे की जो लॉसेज है उसको पूरा किया जाए। इतने में एंट्री हो गई ये जियो की, और जियो की जैसे ही एंट्री हुई वहाँ पर क्या हुआ, जियो ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर दिया, कस्टमर बेसिस जो था उधर से शिफ्ट होके, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, एंड वी आर द इंडियंस एंड इंडियंस, उधर सारा शिफ्ट इधर हो गया। एंड एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट अबोव 60% ऑफ टोटल टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस के पास है, ठीक है। तो ये क्या लिमिट प्राइसिंग का एग्जाम्पल है। पहले क्या करो, पहले ये करो कि या तो फ्री में अवेलेबल करा दो या बहुत कम पे अवेलेबल करा दो। वो जब 500 रुपये, अब भी अगर आपको याद हो तो अनएक्सपेक्टेड सी बात लग रही थी ये कि फ्री में अवेलेबल होगा, अगर आपके माइंड में अगर कोई चीज़ हो रही हो तो, फिर वो आ गई तो लोगों ने देखा सच में एकदम से अट्रैक्शन का कारण बन गई। पहले 6 महीने के लिए हुआ, फिर 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया फ्री, तो कस्टमर तो बन गए सारे। एंड देन अब देखिए फिर सारा मार्केट बेस हो गया, फिर एकदम से लॉन्च कर दिया खुद जियो ने, सब कुछ वो कर दिया। इवन जब बात आई वोडाफोन आइडिया की तो उन्होंने मर्जर कर अपना काम चलाया, अदरवाइज ये दोनों कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती। आदित्य बिरला ग्रुप एक छोटा ग्रुप नहीं है जो रिलायंस का है, इसका सॉरी आइडिया वाला है आदित्य बिरला ग्रुप, मैं गया हुआ हूँ बिरला वहाँ पे भी, इधर बिरला इधर है, बिट्स पिलानी है यहाँ पर अगर आपने सुना हो, बहुत अच्छा कैंपस है वहाँ पर। दो चीज़ होती थी अपने इंडिया में, तो उसके बाद आया भाई मैं क्या बताता था लिमिट प्राइसिंग जो पॉलिसी है उसी का एग्जाम्पल रिलायंस जियो का, कि इस तरीके से आप कर सकते हो आप मोनोपोली लेने के लिए। कैपिटल साइज लार्ज इन्वेस्टमेंट है रेलवे का हुआ है ना। अभी देखो क्या हुआ कि बिड लगी, ओपन बिड किसकी, 5G स्पेक्ट्रम की, और किसने परचेज की, इसने क्या बोलते हैं अदानी ग्रुप ने, ओपन बिड लिखा गया लेकिन परचेज की अदानी ग्रुप ने, बिकॉज इतना ह्यूज अमाउंट था 500,000 करोड़ रुपए, आप कहाँ से लगाओगे 500,000 करोड़ रुपये, आप तो लगा नहीं सकते। तो यानी जो बड़े ग्रुप है बेशक ओपन बिड हो, तो वहाँ पर जो बिड में जो पार्टिसिपेट किया था रिलायंस ग्रुप था, अदानी ग्रुप था, एक दो ग्रुप और थे, तो अदानी ने खरीद लिया है ना। इस तरीके से देखिए आप, और बिजनेस का मर्जर करके, ये भी एक मोनोपोली का, 5 फर्म एक ही सेक्टर में काम करके सारे मर्जर कर ले, तो ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं बस, हाँ ये होती है आपकी। उसके बाद आती है भाई कैसे इक्विलिब्रियम होता है मोनोपोली में, कंडीशन बताइए परफेक्ट की क्या है इक्विलिब्रियम की। MC इक्वल टू MR, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं इसको। सेकंड कंडीशन है MC कर्व कट्स MR फ्रॉम दी बिलो, ये दो कंडीशन है। चाहे मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी हो इक्विलिब्रियम होगा इन्हीं कंडीशन से, MC इक्वल टू MR, और ये देखो ध्यान से देखिए MC इक्वल टू MR और MC कर्व कट्स MR फ्रॉम दी बिलो, ठीक है आया समझ में। ओके अब देखिए ध्यान से, ये परफेक्ट का था, ऐसे ही बनाया था परफेक्ट में। अब मोनोपोली में ना इलास्टिक होता है, क्या होता है डिमांड का वो आपका क्या? ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये देखो ये क्या परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इन्फिनिटी तक जाएगी या जीरो तक जाएगी,
इधर डिमांड मतलब जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड है, यहाँ पर देखो ये लेस इलास्टिक है, प्राइस का आपका इफेक्ट कम पड़ेगा, मतलब लेस इलास्टिक है, डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम है। ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है मोनोपोलिस्टिक, ये थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए ये रहा आपका AR, और आपने सुना है कि AR से MR गिरेगा भी तेज़ी से, बढ़ेगा भी तेज़ी से, ये बात ठीक है। तो ये देखो MR इससे नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा गिरते वक्त, और देखो ये नीचे से MR, ये MR है ना, और इसको यहाँ से कट कर गया ये, और ये क्या बना आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, ठीक है। और इसको देखो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए कैसे बना है, ये मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि आपको पता है, मेरे को बताइए पिंकी मैडम इनमें से कौन सा AR है कौन सा MR है, बताइए ये क्या है, यार वेरी गुड। और ये दो चीज़ मिल गई हमें पास, हमें क्या चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, और कंडीशन क्या है नीचे से कट करे MC इक्वल टू MR और नीचे से कट करे, ये लो ये क्या लिख दिया मैंने MC का, और ये क्या बना आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, आया समझ में भाई। ये जो आपका क्वांटिटी ऑफ प्राइस एंड डिमांड है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया अंडर मोनोपोली, ठीक बात आई समझ में, सभी की कंडीशन से मार्केट स्ट्रक्चर हो कुछ भी सभी में ये होगा, लेकिन आपका आउटपुट और प्राइस ये डिटरमिनेशन होनी चाहिए, मतलब आउटपुट भी पता होना चाहिए कितना आपका है और प्राइस भी पता होना चाहिए कितना कितना हो सकता है, तभी है ये चीज़। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका आंसर आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। ये चीज हो गया मोनोपोली में बन गया, किसका ये मोनोपोली, वेरी गुड। मोनोपो आपने पढ़ा था परफेक्ट का, परफेक्ट का इस तरीके से बना था, यही था, चलो ये भी समझ में आ गया था आपको। यहाँ पर AR भी है, यहाँ पर आपका क्या है MR भी है, यहाँ पर प्राइसेस भी है, और ये क्या है MC, और ये वाले आपके ये दोनों पे इक्वल है, बट ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और सेम ना आपका ऐसे बनेगा मोनोपोलिस्टिक भी जब हम आगे बनाएंगे, बस उसमें फ़र्क क्या आएगा, ये आपका लेस इलास्टिक है, ये थोड़ा और इलास्टिक कर दो ये लो, ठीक है, और ये लो कंडीशन वही रहनी है, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, और ये आपका, और ये कंडीशन बनाना आ गया ना आपको ग्राफ। अब हमें क्या देखना है, हमें वो देखना है कि भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा नहीं कमाएगी जी, ये ऑनलाइन वाले बताओ समझ में आ रहा है भाई, हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये आपने पढ़ लिया है कि इसमें कैसे कैसे होता है, ठीक है ओके। ये देखो इसमें क्या है, AR ग्रेटर देन MC है, देखा ना AR ग्रेटर देन MC, सॉरी MR, और ये ऊपर है क्यों, विद लो इलास्टिसिटी, कम इलास्टिसिटी है, और यहाँ पर क्या है विद हाई इलास्टिसिटी, वर्ड्स आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा है और आपकी इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक है आई बात समझ में। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी कि किसका इलास्टिक है किसका नहीं है, क्योंकि ये अब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये अगर पॉइंट क्लियर हो गए तो 4-6 नंबर आपके पक्के हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में कटने तो नहीं चाहिए आपके, और ये देखो हॉरिजॉन्टल होता है बिकॉज यहाँ पर इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है, माइनर सा चेंज करो जीरो ले जाएगा या IS पे लेकर चला जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम चाहे कोई भी हो अब सारा का सारा वही होता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन आता है कि एक मोनोपोलिस्ट है यानी मोनोपोली के मार्केट उसमें स्ट्रक्चर में वो क्या क्या चीज़ें कमा रहा है, अगर कंडीशन है शॉर्ट टर्म की तो तीनों चीज़ कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी और मिनिमम लॉस भी, लेकिन अगर अगर लॉन्ग रन है ना तो क्या कमाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट, ये बात याद रहे आपको। देखो वही सेम चीज़ बनेगी, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आपने नहीं ग्राफ बनाना है बहुत अच्छे से, आप अपना ध्यान से एक बार समझाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा आपने बनाना है। देखिए वही सारी कंडीशंस है, हमें पता होना चाहिए हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है ये कि आपका एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एवरेज कोस्ट, यही बात है ना, और सारी चीज़ें सेम रहेगी, कंडीशन आपकी सबकी सेम रहेगी। ये देखिए ये आपका बना ठीक है, और ये आपका एवरेज रिवेन्यू हो गया, ये आपका मार्जिनल रिवेन्यू हो गया,
और ये देखो ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने किया और ये कट कर गया यहाँ से, और ये हो गया आपका MCQ, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये देखिए आपका ये वाला चीज़ क्या है आपके पास, ये आपका कौन सा कर्व है आपको पता लग रहा है? ये यहाँ से कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, लेकिन ये वाला जो पार्ट बन रहा है आपका, जहाँ पर आपका यहाँ से क्या टच करेगा, यहाँ से आपकी एवरेज कोस्ट टच करेगी, एवरेज कोस्ट टच करेगी, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका ये क्या सुपर नॉर्मल पॉइंट है, इस वाला पार्ट। समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा, चलो यहाँ मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, एक बार मैं बनाना है, चलो ऐसे कर लेता हूँ, फिर आपने बनाना है, ये लो। ये क्या है अभी पता नहीं लग गया क्या है ना, ये क्या है और ये, ठीक है चलो ओके, बहुत बढ़िया, पहला काम हो गया हमारे पास। इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है ओके। ये आपका ए आर है, हमें पता है कंडीशन ये है कि ए आर ज़्यादा होगा किसे, ए सी से, फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉपर्टी, ये बात है ना, ठीक है ओके वेरी गुड। तो अगर इस अगर ऐसी बात है तो हम निकाल देते हैं फिर, ये आपका ए सी क्या हो गया आपके पास, एम सी सॉरी मतलब एवरेज, एवरेज वैन्यू यहाँ पर, और ये एक तो ये वाली चीज़ और यहाँ से आई आपके पास और यहाँ क्रॉस करते हुए ऐसे चली गई, ऐसे तो नहीं आएगी, साइड में से कटेगी यहाँ पे क्योंकि तो नीचे से काट देता है इसको, यहां से आपका ये देखो ये चला, इसका मिनिमम आगे आया ना, हाँ ठीक है, ये क्या आपका एसी कोस्ट है, एवरेज कोस्ट है, समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ पर देखो ये एसी है और ये आपका एआर है, तो अब क्या पर इस ये वाली जो चीज़ है एआर ग्रेटर देन एसी है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनेगा आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, समझ में आई बात, क्लियर हो गई। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, देखो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है क्योंकि इन दोनों में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस होता है, तो उसको और थोड़ा नीचे कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये लो ठीक है, पैरेलल रहेगी इसकी फिक्स कॉस्ट की वजह से, ठीक है हमें समझ में आया नहीं आया, देखो ये वाली चीज़ क्या है, देखो अब मैं इसको ना वापस इसको वो कर रहा हूँ, अपने आप समझते चले जाए क्या जा रहा है, सबसे पहले गई वेरिएबल कॉस्ट, ये गई वेरिएबल कॉस्ट, अब जा रही है एवरेज कॉस्ट, कहाँ से जा रही है देख लो, कहाँ गई एवरेज कॉस्ट, यहाँ थी है ना, अब ये लाइन जाएगी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना तो ग्राफ सभी को समझ में आ रहा है आपको, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या आई है, ए आर ए सी की है ना, तो ये देखो आपका ये ए आर है, अब हमें पता है ए आर ना ज़्यादा मिलेगा ए सी से, तो ये ए आर है आपका, तो ये वाला पार्ट आप इसको कहीं नीचे दिखा दो आप, ये वाला ये रही, ये आपकी क्या है इस पॉइंट पर, मैंने लिखा ये 10 क्वांटिटी थी, यहाँ पर 8 क्वांटिटी पर सॉरी प्राइसेस पर आपका इतना आ रखा है आपकी एवरेज कॉस्ट, इसे समझ लो आप। अब यहाँ से जब ये कट कर रहा है, यहाँ से जब आपकी एवरेज कॉस्ट जा रही इस तरीके से, और यहाँ से आपका एवरेज रेवेन्यू जैसे ये जा ही रहा है एवरेज रेवेन्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी ज़्यादा आ रही है, देखो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे है और ये आपका कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया। हाँ जी, ये था किसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल का सेम बनेगा। अब मिनिमम लॉस की बात आ रही है, तो मिनिमम लॉस का क्या करना है, नीचे कर देना, पहले आप इस वाले ग्राफ को बनाइए, शाबाश बनाइए, ये ऑनलाइन वाले आप लोग भी बनाइए, आपको पता है ये फोर्थ कैंडिडेट था इस महीने में जिसको मैंने पे किया, ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, एक भी तो ये भी तो बात है ना, देखो एक आदमी का ना जैसे मन नहीं करना करता दे, कई बार जो नीडी पर्सन होते हैं, मैंने इनके चक्कर में तो आ रहे हैं, और कोई नीडी आ जाए एक्चुअलिटी में उसको नहीं जाए,
अब यार बात ऊपर अगर सोचे तो बैठने वाली मतलब क्यों पे करें भाई, हम निडी पर्सन है या दिख रहे सारे बच्चे हैं और इनको ना आदत पड़ी हुई पैसों की। कई बार मैं बहुत अच्छे से मैं देखो आपको अगर सच में इंडिया देखना है तो ट्रेनों में जाओ, जनरल डिब्बे में जाओ, ठीक आप जनरल स्लीपर में चल जाओ, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाते जरूर जाओ, इंजॉय करते मत जाओ, ये ऑब्जर्व करते जाओ क्या हो रहा है। आपको रियलाइज होगा कि इन दिस कंट्री एवरीवन वांट्स क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं गुड थिंग्स विदाउट एफर्ट्स, वो भी यही रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, अब ये देखो मैं अभी आप यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है एफर्ट्स हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, आप लोग भी बैठे हो। आफ्टर योर अपॉइंटमेंट यू विल बी ओनली सिटिंग ऑन योर चेयर एंड एंजॉय द मोमेंट्स, तब क्या होगा, यही तो बात है। इस देश में काम करना नहीं चाहते, अच्छा सच बात तो ये भी है, काम करो आपको रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। एथिक्स आपके है, हम मेरे भी नहीं है, मैंने एथिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे एथिक्स बन जाए। एथिक्स मीन्स प्रिंसिपल्स, हाउ टू डू वर्क एंड कब मुझे पहुँचना है। लेकिन मुझे ना सबसे सच बताऊँ, मुझे सबसे गिल्टी है इन दोनों ये फील हो रहा है कि मैं लेट आ रहा हूँ, और ये मेरी मजबूरी समझ ना आप, मैं कभी लेट नहीं होता। पहले वैसे मैं 9 बजे टाइम देता था, मैं 9 बजे आ जाता था। इसका रीज़न ये है कि मेरे पे ना एक प्रेशर था कि मेरा PhD का काम आया हुआ है और मैं रात रात भर लाइब्रेरी होता हूँ, तो मेरा अब हो गया है काम, अब मैं फ्री हूँ, तो मैं टाइम से सोता हूँ उठूँगा, तो एक्चुअली ये था। बाकी आपको अच्छा देंगे हम, है ना, जो भी कुछ देंगे अभी तो आप इन पे हैं। हाँ वो डिपार्टमेंट से, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो मेरे से पहले एडमिशन है उनका। हाँ वो उनका रजिस्ट्रेशन का है, मेरे सबमिशन का है, देखो मेरे से पहले का एडमिशन है उनका, लेकिन कुछ उनके कारण बस ऐसे वह फेल हो गए वो कोर्स वर्क में, एंड देन डिले एंड डिले, फिर उन्हें छोड़ने का मन भी बना लिया होगा शायद, फिर उन्होंने किया ही नहीं, फिर अभी जाके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस डाल ली और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ भाई यहीं पर आ जाओ, क्या बता रहा था मैं आपको, मिनिमम लॉस की। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई है कैसे होगा, AR AC से AC आपकी AR से ज़्यादा होगी, जो आपका एवरेज रिवेन्यू होगा ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रोंग हो रखा है, ये आपकी ये वाली जो चीज़ है ना ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है, और इससे ऊपर आपकी वो जाएगी, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना इस चीज़ को ठीक कर लो कि ये वाली यहाँ से चली जाएगी वो, या उस वाले ग्राफ में देख लो आप, और लॉस होगा वो फिक्स कॉस्ट का होगा, ये वाली चीज़, ये वाला जो बना नहीं ये परफेक्ट बना हुआ है, ये वाली जो चीज़ है ये वो आपका लॉस है। ये एवरेज कॉस्ट यहाँ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और यहाँ पर ये किसके बराबर है, एवरेज रिवेन्यू के बराबर, यानी AR इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और AC जो होती है वो ज़्यादा होगी किससे, एवरेज रिवेन्यू से, और जो मिनिमम लॉस होगा वो किसका होगा, ये फिक्स कॉस्ट होगी ना, बात क्लियर दोस्त, ऑल अबाउट द मिनिमम कॉस्ट। तो ये तीन चीज़ें कम आएगा, बात आई नो उसमें लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में सिर्फ वही कंडीशन ये वाली, ये लॉन्ग रन की है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, क्या कमाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका कमाएगा, आया समझ में, ठीक है। अब इसमें ना कुछ और चीज़ें आएंगी, जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा, प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये इस तरीके से बन जाएगा ओनली सुपर नॉर्मल, यही क्वेश्चन आता है। अब आता है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, बहुत अच्छे से आप समझना, दो मेजर आपके लर्नर का और बेन्स का। लर्नर का जो मेजर है वो आपका क्या है, इलास्टिसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ED AR डिवाइड में AR माइनस में 21 का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू मेथड पढ़ाया ना आपने, एंड देन हमने इसको कैलकुलेट किया था, इसके जो AR और MR निकाला था आपने, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो वो क्या आ जाता है, अब मोनोपोली पावर। देखो ये क्या है, AR माइनस में MR, AR मतलब PV तो होता है, और जबकि MC इक्वल टू MR है तो मैं इसको MC भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P डिवाइड में P माइनस MC लिख सकता हूँ, और इसका इन्वर्स ये हो गया P माइनस MC डिवाइड में P, तो मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड मोनोपोली पावर एज दी कौन सा, लर्नर इंडेक्स, आया समझ में, क्या होता है वो, क्या होता है आपका क्या होता है इनवर्स या रेसिप्रोकल, और इस तरीके से आपने इसे, मैंने AR और या AR और MR निकाल के दिखा दिया था कि किस तरीके से आपने निकालना है, इस तरीके से आपने देखा था ऐसे निकालना है, आता है ना आपको, गुण में जाना है, क्वेश्चन बहुत ही न्यूमेरिकल भी आ जाता है,
और इसी आपने क्या कहा कि ये ए आर डिवाइड में ए आर मल्टीप्लाई ए आर और वन डिवाइड में ईच ई डी, ऐसे भी लिखा जाए तो आप बोलोगे मोनोपोली पावर है ये, वन माइनस ई डी आ जाए तो क्या जाएगा मोनोपोली पावर आपके पास आ गई। नेक्स्ट आया आपका बेंच मेजर। बेंच का मतलब क्या, बेंच ने क्या कहा भाई जितना ज्यादा गैप होगा ना ए आर और ए सी में उतनी ज्यादा मोनोपोली पावर है, ए आर माइनस ए सी जितनी भी ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा मोनोपोली पावर है, ठीक है। लर्नर के इंडेक्स के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या होती है मोनोपोली पावर, उतनी परसेंटेज जो भी आएगा, मान लो इलास्टिसिटी आई आपकी 0.8 ठीक है और 1 डिवाइड में 0.8 आया तो जो भी वैल्यू आई आपकी तो वो क्या होगी इतनी इलास्टिसिटी है, इसमें जितना गैप होगा उतनी इलास्टिसिटी होगी, ठीक है आगे समझ में। तो ये था आपका क्या मोनोपोली, ठीक है। अब इसमें और आगे देखते हैं, नेक्स्ट आया आपके पास क्या, अब मान लो एक जो फर्म है ना वो दो से ज्यादा प्लांट पे काम कर रही है, यानी मल्टी प्लांट इकोनॉमी आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास मल्टी प्लांट इकोनॉमी। अब देखो होता क्या है इसमें, देखो देखी जाए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, कंडीशन आपकी कुछ हो जाए, कंडीशन रहनी वही है एम सी इक्वल टू एम आर, ठीक है। कंडीशन क्या हो आपकी एम सी इक्वल टू एम आर, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या होता है दो प्लांट है मान लो, एक एम सी एक प्लांट है ए प्लांट और एक आपका है प्लांट बी, तो पहले क्या हो रहा है आपके पास जो भी जो प्लांट ज्यादा कमा रहा होगा ना उसी से ज्यादा प्रोडक्शन कमा कराओगे आप। जैसे मान लो आपके पास दो प्लांट है, एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है, इसकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है ना वो अभी इस वक्त आ रही है 8 रुपीज और इसकी आ रही है आपकी मान लो 12 रुपीज, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है, या रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है, पहले आपकी कॉस्ट कम होगी देन फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अभी इसकी देखो अभी प्रोडक्शन ज्यादा किससे कराओगे आप ए से, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम आ रही, तो अभी जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना उधर इसकी कॉस्ट आपकी क्या होगी एक टाइम के बाद नीचे आके वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इसकी भी देखो अब जैसे जैसे बढ़ेगी, अभी प्रोडक्शन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, अब यहाँ जब बढ़ेगी ना तो इधर आपका मतलब अभी कम होगी, फिर यहाँ बढ़ने लगेगी तो इधर इससे ज़्यादा क्रॉस करेगी तो इसको अब पे आ जाएगी। अब एक टाइम पर यहाँ ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों की मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, दोनों के क्या हो जाएगी एक दूसरे के, और इस चीज़ पर क्या होगी जो टोटल जो आपकी कैपेसिटी होगी ना फर्म की प्लांट की दोनों की वो एम सी इक्वल टू एम आर होगी। यानी मल्टी प्लांट इकोनॉमी क्या होता है जहाँ पर दो प्लांट की जो मार्जिनल कॉस्ट है एक दूसरे की इक्वल हो जाएगी वहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर हो जाएगी टोटल फर्म की, एंड देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मल्टी प्लांट इकोनॉमी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आई है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रही है आपके पास क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, चार डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर्स, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये कंसेप्ट किसने दिया, इट इज डेवलप्ड बाय पीगू, प्रोफेसर पीगू, ठीक है। किसने डेवलप की, पीगू ने डेवलप की, तीन डिग्री दी उसने, कौन कौन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपका फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है भैया आपका, मेरे पास ये मार्कर है, मुझे पता है मैंने ना इसकी प्राइस मैंने फिक्स कर रखी है माइंड में, मैंने चलो वैसे मैंने कह दिया 10 रुपये मेरे माइंड में, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ आप कितने रुपए देना पसंद करोगे, बोलिए बोलिए कोई भी अमाउंट बोलिए, 8 रुपये तो मिलेगा ही नहीं आपको, 10 से ज़्यादा बोलिए आप, 15 रुपीज़ आपने कहा, एक्स पर्सन ने कहा 200 रुपये और टी पर्सन ने कहा 1000 रुपये, एक और पर्सन उसने कह दिया मेरे को 50 रुपये, ठीक है। एक आपने कंसेप्ट पढ़ी थी कंज्यूमर सरप्लस की, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है, विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पेमेंट का डिफरेंस आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंज्यूमर एक एक्स कंज्यूमर है वो देना चाहता है 50 रुपये, बोला ला 50 रुपये ये मार्कर आपका, एक कंज्यूमर जिसने कहा 1000 रुपीज़, ला 1000 रुपये आपका मार्कर, एक ने कहा 15 रुपीज़, मुझे पता है 10 से ज़्यादा आ रहा है कंज्यूमर 15 देने के लिए, 5 रुपये का प्रॉफिट है 15 रुपये दे ले जा, एक ने कहा 2000 रुपये ले जा, नेक्स्ट अलग, बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से आपका क्या होता है ये कंज्यूमर सरप्लस का फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लसेस, कंज्यूमर जितना देना चाहता है उतना चार्ज कर लो, कंज्यूमर सरप्लस आपका नहीं बचेगा, इसलिए इसको रॉबिन्सन ने कहा कि परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है,
आई बात समझ में? ठीक है, सेकंड डिग्री देखिए, सेकंड डिग्री में क्या आया, मैंने ना इसके दो प्राइसेस फिक्स कर रखे हैं, मैंने एक तो प्राइस फिक्स करके 10 रुपये और एक प्राइस फिक्स कर रखे हैं 20 रुपये। ठीक है, अब कोई कंज्यूमर है, मेरे पास कंज्यूमर क्या है, मेरे पास कंज्यूमर आए, देखो मैंने प्राइस क्या फिक्स कर रखे हैं, एक्स वाई टी डब्लू एल, ठीक है, और एक एक कंज्यूमर ग्रुप है ए बी सी एल, नहीं टी और कुछ मान लो वी मान लो, ये 4% ऐसे हैं। ठीक है, अब इनके ना ये 8% हमारे पास, इसने प्राइस लगाए मान लो 8 रुपये, मैंने क्या प्राइस रख रखा है, प्राइस वन तो मैंने रख रखा है 10 रुपये और प्राइस सेकंड क्या रख रखा है 20 रुपये, ये रख रखा है ना। ठीक है, एक्स ने 8 रुपये लगाए, वाई ने लगाए इसके 15 रुपीज़, टी ने लगा रखे हैं 20 रुपीज़, डब्लू ने लगा रखे हैं 11 रुपीज़, ये क्या आपका एल पर्सन है, इसने लगा रखे हैं आपके 16 रुपीज़, ए ने लगा रखे 25 रुपीज़, ठीक है, और बी ने लगा रखे हैं आपके 30 रुपीज़, और सी ने लगा रखे हैं आपके 21 रुपीज़, और ये जो यू है इसने लगा रखे हैं आपके, वी ने आपके लगा रखे हैं मान लो 35 रुपीज़, ये कुछ पैसे लगा रखे हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास दो प्राइसेस है, हम क्या देखेंगे, ऐसे पर्सन ढूंढेंगे जिन्होंने 10 रुपये या इसे ज़्यादा लगा रखे हैं लेकिन 20 से कम लगा रखे हो। देखो यहाँ पर इसने 15 लगा रखे हैं, ठीक है, इसने 11 लगा रखे हैं, यहाँ पर इसने 16 लगा रखे हैं, और इसने कितने लगा रखे, ये तीन ही है ना। ठीक है, तो ये जो 15 है, 11 है और 16 है, इन तीनों को ये पेन मिलेगा 10 रुपये में, कितने मिलेगा 10 रुपये में मिलेगा आपको। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आई? जिन्होंने एक मिनिमम प्राइस ए से, प्राइस वन से या उसके इक्वल या उसे ऊपर लगाया ना, तो उसको प्राइस वन पर मिलेगा। जिन्होंने प्राइस टू 20 इससे ऊपर लगाया, उसके इक्वल लगाया, जैसे कि यहाँ पर 20, 25, 30, 21, 35, इन सभी को मिलेगा 20 में। देखो अब यहाँ पर देखिए, एक्स को तो मिला नहीं, वाई को 15 रुपीज का था, 15 देना चाहता था, 10 में मिल गया, 5 रुपये क्या बच गया, कंज्यूमर का सरप्लस बच गया। इधर आपका 11 का था, 10 में मिल गया, 1 रुपये कंज्यूमर सरप्लस बच गया। 16 का था, 10 मिल गया, 6 रुपये का कंज्यूमर सरप्लस बच गया। 25 का था, 20 का बच गया, 5 रुपये का बच गया। 30 का था, 20 का मिल गया, 10 रुपये मिल गया। तो यहाँ पर क्या होता है सेकेंड डिग्री में, कि दो प्राइसेस फिक्स कर दी जाती है, जो एक प्राइस से ऊपर या दूसरी से नीचे लगाता है तो उसको एक्स प्राइसेस पे मिलेगा, और जो दूसरी वाई प्राइसेज है तो उससे ऊपर या उस पर लगाए तो उसको वाई पे देंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंज्यूमर सरप्राइसेज आपका बच जाता है। सेकंड डिग्री समझ में आ गई आपको? ठीक है, हाँ भाई आया ना समझ में? ठीक है ना। तीसरा आया थर्ड डिग्री का। यहाँ पर ना आप अपने कस्टमर को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक यूजर ऑफ यूर इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका कमर्शियल यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एलपीजी, तो उनका ना उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हो। अब देखो, अब कमर्शियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 8 और 10 रुपये मिलती हैं, और आपको 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे मिलती है। तो ये वाला डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होता है, एक ही चीज़ के डिफरेंट पार्ट में आप क्या करते हो, अलग अलग चार्ज करते हो। तो ये क्या होता है थर्ड डिग्री। और रियलिटी में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये मिलेगा आपको, है ना, ये मिलते हैं ना आपको। हाँ जी, कॉमर्शियल के अलग होता है और हाई रेट से आप के लिए कम मिलता है। तो ये एक्चुअलिटी का है। तीन आपका जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट डिग्री था, जो जितना देना चाहे उससे उतना चार्ज कर लो। पहले तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझो कि भाई अपना अलग अलग चार्ज कर रहे हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे, एक जैसा चार्ज नहीं कर रहे हो। और मोनोपोली की सबसे बड़ी कंडीशन मतलब वो है, ये क्या है, मतलब फीचर्स है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। दूसरी पहली पीगू ने कंसेप्ट दी है, फर्स्ट डिग्री में होता है जो जितना कंज्यूमर देना चाहता है उतना चार्ज कर लो। सेकंड डिग्री में होता है दो प्राइसेस होता है, तो जो एक प्राइस से ऊपर दूसरी से नीचे लगाता है उसको एक्स पे दो, और जो दूसरी मतलब उस नीचे वाली प्राइस पे दो, और जो दूसरी पे लगा रहा है तो उससे ऊपर लगा तो उसे दूसरे पे दे दो। तीसरी में डिफरेंट पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस हम चार्ज करेंगे। रियल लाइफ का ये होता है फर्स्ट डिग्री को, रॉबिन्सन ने क्या कहा, परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उसमें कुछ कंज्यूमर सरप्लस बचता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास ये देखो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक तो पर्सनल हो सकता है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट चार्ज करेंगे। एक ज्योग्राफिकल बेसिस मतलब एरिया के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, यूज के अकॉर्डिंग जैसे आप उसके अकॉर्डिंग अलग कर सकते हो। अब एक वो चीज़ आती है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक मोनोपोली के लिए कब सक्सेसफुल होगा, मेरे क्वेश्चन सुनना,
आप लोग मेरे को एक्सपेक्टेड आंसर देंगे, मुझे पता है। एक मोनोपोली है वो अपना प्रोडक्ट इलास्टिक मार्केट में बेचना पसंद करेगा या इन इलास्टिक में। इलास्टिक का मतलब होता है ज्यादा डिमांड, वहाँ पर प्राइस का कोई कितना ही चार्ज कर ले वो बेच, मतलब क्वांटिटी बिक जाएगी। इन इलास्टिक का मतलब है भाई मतलब सॉरी इन इलास्टिक का मतलब था ये, इलास्टिक का मतलब है प्राइसेस में चेंज करेगा तो डिमांड में ऊपर नीचे होगा। तो बताइए कौन सा उसके लिए प्रीफर करेगा, इन इलास्टिक क्या क्या करेगा इंदू? हाँ वेरी गुड, यही बात है ना, ठीक है। ये देखिए ये इन इलास्टिक है ना, ठीक है। मैंने प्राइस किए 10 रुपये चार्ज, मैंने प्राइसेस किए 20 रुपये चार्ज, मैंने प्राइसेस किए 30 रुपये चार्ज, क्वांटिटी तो आपके 10 ही दिखी, यही है ना इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब से कितना ही चार्ज करो इतना ही हम आपसे क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। मैंने प्राइसेस कितने बताए थे, 10, 20 और 30, ठीक इतना बताया मैंने, ओके। 10 रुपये पर उसका रेवेन्यू कितना हुआ, 100 रुपये, 20 रुपये पर 200, और ये हुआ आपका टोटल रेवेन्यू, इतना हुआ, ठीक है चलो। ये तो आपका है इन इलास्टिक। अब दूसरी चीज़ देखो, पहले ना 10 रुपये थे और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 10 रुपये, ये लो पहले तो वाला केस तो मैंने मान लिया। उसने ना क्या किया, 9 रुपये 50 पैसे कर दिया और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के हो गई है 40 रुपये 40 यूनिट, और थोड़ा कम करा 9 रुपये ले गए चला गया तो ये चलेगी 100 पे, क्योंकि इलास्टिक है मैंने पहले वर्ड बताया था, और थोड़ा कम करके 8 रुपये पर चला गया तो उसकी हो गई 200 रुपये। मान लो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लेता हूँ मैं कि इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है 6 रुपये, ठीक है, तो ये लो 6 रुपये, तो 6 रुपये के हिसाब से 30 रुपये, 150 रुपये यहाँ पर कॉस्ट लगे तो 150 रुपये प्रॉफिट हो गए, सॉरी 10 रुपये के हिसाब से तो 60 रुपये कम कर लो तो कितने हुए आपके 240 रुपये प्रॉफिट हो गए, 240 ही यहाँ पर कम 60 रुपये कम कर दो 140 प्रॉफिट हो गए और यहाँ पर 40 प्रॉफिट हो गए, यही बात है भाई, ठीक है। 6 रुपये की कॉस्ट है यहाँ पर, यहाँ पर देखो 10 रुपये में आपका यहाँ पर आया वही 40 रुपये का प्रॉफिट बचा, लेकिन जब आपने 40 यूनिट सोल्ड की और किसी हिसाब से 9.5 9 रुपये लगा लो 360 रुपये आया रिवेन्यू, 40 की ये क्या कॉस्ट आई, 6 रुपये कॉस्ट थी ना, 40 × 6 कितना आया, चलो 240 कितना है आपका 120 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। अब 100 यूनिट आपने सोल्ड की है तो 100 के हिसाब से आपने प्राइस कितने रखे 9 रुपये, तो 900 रुपये हुआ और 100 की कॉस्ट थी 600 रुपये, कितना हुआ 300 रुपये। तो देखो प्रॉफिट तो यही बढ़ गया आपका, 240 से ज़्यादा 300 हुआ, तो बताओ अब आपको क्या राय चेंज हुई है, अब आप क्या कहोगे कि इलास्टिक में बेचोगे, है ना, क्योंकि वो इलास्टिक में अपन थोड़ा प्राइसेस कम करेगा क्वांटिटी बढ़ाता रहेगा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो पहली बात तो आपका जो मुझे मैंने क्या कहा था, जैसे मुझे एक्सपेक्टेड था आपका आंसर वो आएगा, आपने क्या कहा इन इलास्टिक, तो वो आप गलत, ये बहुत रिपीटेड और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपका मार्केट स्ट्रक्चर में, तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे इलास्टिक में बेचेंगे। एक तो ये माइंड में हो गया कि इलास्टिक में वो प्राइस तभी सक्सेसफुल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मान लो इन इलास्टिक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा है ही नहीं, कितना ही चार्ज करो उतना ही बढ़ना आपका, पहली बात 100 रुपये ही चार्ज कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो कम करेगा ही नहीं वो अगर इन इलास्टिक है तो। दूसरी चीज़ देखो, दो मार्केट है, एक रोहतक का मार्केट है और एक दिल्ली का मार्केट है। अब मेरे को बताओ प्रोड्यूसर, एक दो रोहतक का बता दिया मैंने, एक दिल्ली का बता दिया और एक रेवाड़ी का बता दिया, तीन मार्केट देखो दिल्ली रोहतक और चलो पानीपत रेवाड़ी सेम DRP बन गया आपका, इनकी इलास्टिसिटी है अपनी सेम, यानी दिल्ली और रोहतक की इलास्टिसिटी सेम है और रोहतक और इसकी पानीपत की इलास्टिसिटी है डिफरेंट। तो मुझे ये बताइए कि वो अपना प्रोडक्ट रोहतक, जैसे रोहतक में अभी उसका मेन है, रोहतक से दिल्ली में शिफ्ट करे या पानीपत में करे, मतलब कहाँ बेचना पसंद करे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी डिफरेंट है, सेम इलास्टिसिटी तो सेम तो यही नहीं है। तो पहली कंडीशन है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि भाई आपका इलास्टिक मार्केट होना चाहिए, दूसरा इलास्टिसिटी भी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए दो मार्केट में, तभी आपकी सक्सेसफुल है, ये कंडीशन याद रहेगी आपको। ये देखो सबसे पहले मोनोपोली आपकी होनी चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, मोनोपोली हो बिल्कुल तभी सक्सेसफुल हो, परफेक्ट वाला नहीं कर सकता। सेपरेट मार्केट होना चाहिए दिल्ली और ये दो अलग अलग मार्केट दिखाए मैंने आपको, डिफरेंट इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब आपकी इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए, और प्रोडक्शन आपका एज पर ऑर्डर हो, ये लीगल सैंक्शन लगे हों आपका,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी आपका मेन पॉइंट है। मेनली आपको दो बात बता दी मैंने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और बस ये बात थी आपकी, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है। हाँ तो एक ये देखो, ये बात आई कि एक हर एक सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कहाँ होगा? जब ये तभी होगा जब आपका डिफरेंट तो मार्केट हो और डिफरेंट आपकी इलास्टिसिटी हो। ये बात याद रखना, ये रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका मोनोपोली से, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि यहीं पर आप देखो इस, क्योंकि जहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्राइस में कम करके अपना रिवेन्यू इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और या एक अगली लाइन, मोनोपोलिस्ट वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचना पसंद करता है जहाँ पर दो मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट हो। ये बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक बार ये क्वेश्चन आता है कि कई बार कि क्या मोनोपोलिस्ट कभी लॉस उठाएगा? उठाएगा, उठाएगा शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट का, ये बात याद रखना, ठीक है। किस में उठाएगा? शॉर्ट रन में आपका फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई मोनोपोली से कैसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, तो आपका एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन बन जाता है, जैसे आपकी आपका MRTPA कंपटीशन एक्ट है, इस तरीके का है, मेंटेनेंस ऑफ फेयर कंपटीशन, प्राइस एंड आउटपुट कंट्रोल, परचेज एसोसिएशन, पब्लिसिटी कर दी जाए की जाए कि और भी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, थ्रू सब्सिडीज एंड टैक्स के थ्रू, मतलब नई कंपनीज आ जाए मैटर, मतलब मोनोपोली को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ गया है तो मैं कराऊं या बताइए, थोड़ा सा ये तो ये सेम है, ये तो बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो अभी आपने क्या पढ़ा, मोनोपोली में आपने पढ़ा कि भाई वहाँ पर एक सेलर था, बाकी सब बायर थे, परफेक्ट में सारे के मतलब बहुत सारे सेलर बायर थे वहाँ पर, परफेक्ट आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी हो सकता था होमोजीनियस। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपके ना एक प्रोडक्ट के मतलब बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनके क्या होंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, लाइक मतलब जैसे आपको पेन चाहिए तो पेन के आप देखो कितने अवेलेबल है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, है ना, पेन कितने तरीके के आप देखते हो, साबुन देखिए, कुछ भी देख लीजिए आप, है ना, तो ये सारी चीज़ आपके पास कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन्स कि भाई मैंने कहा पेन ले लीजिए आप, आपके पास और खाने पीने की चीज़ें देख लो, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ों के आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। वही ये एक तो सबसे पहले बात, उसमें फर्म थी, इंडस्ट्री थी, उसमें फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं था, यहाँ पर फर्म और ग्रुप होगा, क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है। वही आपका मैनी बायर मैनी सेलर पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट कोई कभी आए, सेलिंग कॉस्ट होती है याद रखना, मोनोपोली में भी होती है, ठीक है। परफेक्ट में आपका जो आपका कंट्रोल की बात आती है ना, परफेक्ट में प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्री डिसाइड करती है, फुल कंट्रोल होता है मोनोपोली में और इसका लिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है, ठीक है ना, और लिमिटेड मोबिलिटी होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज और नॉन प्राइस कंपटीशन। ये क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन? नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि आपने देखा है कि ये चीज ले जाओ इसके साथ ये फ्री मिलेगा, कई बार वो नहीं, तो गांव में आप लेके आए हो कभी वो बिलों क्या होता है वो क्या बोलते हैं भैंसों का वो आता, उसमें कटोरा फ्री आता था, कुछ अंदर कुछ मिलता था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अगर ये चीज़ लोगे तो कुछ और फ्री मिल जाएगा, वाउचर मिल जाएगा, इस तरीके की चीज़ें, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब प्राइस में नहीं कर रहे हैं, प्राइस में कटौती नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन प्राइस कंपटीशन। और डिमांड का और आपका यूनिफॉर्म क्या होता है, डिमांड एंड कॉस्ट का ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर यूनिफॉर्म, मतलब सभी का एक जैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इम्परफेक्ट आपका रहता है इसमें सारी चीज़ें, मतलब कंपटीशन आपका इम्परफेक्ट है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये देखो, ये एक तो क्या कहाँ गया, एक मैंने बताया था आपको कि एक तो मोनोपोली और एक मना आपका परफेक्ट कंपटीशन, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी दोनों का मिक्सर है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का, और इसको बोला गया फ्यूजन, ये बड़ी याद रहेगा आपको फ्यूजन, और इसको कहा गया ग्रुप, ये चैम्बरलेन ने कहा इसको, इंडस्ट्री की जगह किसको यूज किया जाए, ग्रुप को, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंडीशन आपकी वही आ गई है MC equal to, और नीचे से
कट करेगी, ठीक है। और वही अच्छा इसका वो तीनों करेंगे शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ये सिर्फ सुपर सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। इसका एक रीजन है वो क्यों है वो भी देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन की बात है, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन वो भी नॉर्मल, मोनोपोली, सुपर नॉर्मल, ये मैंने कंपेयर करने के लिए दिखा दिया। मोनोपोलिस्टिक ये क्यों कमाता है, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ बातें देखना अब इसमें, मैं कुछ और समझाना पसंद करूंगा। ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर अपना कोई भी फुल कैपेसिटी यूज नहीं करता, कौन सा है वो आप कहेंगे, कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक। क्यों, क्योंकि उसको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कॉस्ट कम करने की बजाय वो ज़्यादा कॉस्ट पर, थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। अब यहाँ देखिए अच्छे से, मैं सिर्फ उसका बना रहा हूँ, वो तो बाकी सबके सेम बनेंगे। इसका किसका है, लॉन्ग रन का है, लॉन्ग रन में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये दो लाइनें खींची और ये खींची, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये आपका MCCO है, MCCO है, और देखो ये एवरेज कॉस्ट कर्व है ना। और आपको पता है कि, आपको एक बात पता है कि जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है वहां पर आपकी ये कंडीशन होती है, AC इक्वल टू, ये होती है ना, AC इक्वल टू AR, मतलब MC इक्वल टू MR, तो नो डाउट ये तो रहेगी रहेगी, वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, पर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, AC इक्वल टू AR। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे तो AC लेस देन, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमा वो मिनिमम लॉस कमा रहे हो तो AC ग्रेटर देन, ये चीज़ है ना, ठीक है। अब देखो मोनोपोलिस्टिक ने क्या कमाया, मोनोपोली ने क्या कमाया था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ फुलफिल हो रही थी, कौन सी वाली, AC आपकी कम है AR से। यहाँ देखिए अब आपकी, यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट का यहाँ पर टच कर रही है, और यहाँ देखो इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, किसका, AC का मिनिमम पॉइंट, अभी ये देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले आ गया और अभी मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आना था, यानी इस आउटपुट लेवल पे क्या हो गया, स्क्रीन बंद कर दिया। देखो भाई मैं क्या कह रहा था आपको, ये देखो ध्यान से देखिए, इस आउटपुट पर, इस वाले आउटपुट पर उसका ना मिनिमम कॉस्ट आती, लेकिन उससे पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया, और ये किस वजह से रखा है, क्योंकि उसको ना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है, कभी भी वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूज नहीं करता, ठीक है, कभी भी वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूज नहीं करता, ठीक है। जैसे कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन होता है, AC के इक्वल होता है, मिनिमम पर काटता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका, उसे ऊपर ही आ जाता है, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो ये कंडीशन आपके यहाँ आपका फुलफिल हो रही है, मिनिमम पॉइंट यहाँ पर आया, लेकिन अभी इससे पहले ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है इसका, तो इस वजह से ये अपनी फुल कैपेसिटी को यूज नहीं करता, क्योंकि ये जो फोकस करता है किस पर करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका चल रहा होता है, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि इसको एक्सेस कैपेसिटी बोला गया, क्या बोला गया, और इस वर्ड को डेवलप किया किसने, लिप्सी ने, क्या ये कहता है कि जो एक्सेस कैपेसिटी जो आपकी बची हुई, क्या वेस्टफुल है, तो आप कहोगे नहीं, मतलब अभी पे ना इस पर वो डिस्कशन चल रहा है, वेस्टफुल चल रहा है अब, लेकिन इसका क्या है कि हम क्यों रखी गई एक्सेस कैपेसिटी, ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या कहोगे, ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये था, और लॉन्ग रन में देखो, अभी आपने समझ में एक बात आई, वो क्यों कमा रहा है, देखो चीज़ें सारी थी, देखो परफेक्ट में क्या था, ये सब कुछ इक्वल था, नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर क्या है, MR इक्वल टू MC, ये सभी की है, ये सभी की यही है, लेकिन दूसरी कहते हैं मोनोपोलिस्टिक, ये मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या है आपके पास, ये मोनोपोलिस्टिक ये है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, AR इक्वल टू AC, ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक है भाई आपका, हाँ ये मोनोपोलिस्टिक, ये मोनोपोली है, AR आपका क्या है, AC के इक्वल है, बट AC है ना अभी MC से क्या है, ज़्यादा है, MCC क्या है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना यार ज़्यादा, क्योंकि अभी वो कम हो रही है, अभी वो नीचे जाएगी, और यहाँ पर AR AC MC से ज़्यादा है, और MC AC से भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई आपका क्या कमा रहे हो, यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, यहाँ पर आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे, ठीक है। AR AC से ज़्यादा है, बट MC AC से ज़्यादा होने के कारण ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है।
ये है आपकी चीज, ये ना ये इसका है मोनोपोलिस्टिक का, ये है भाई आपका, ठीक है, ए आर एम सी से ज्यादा और एम सी ए सी से भी ज्यादा, ठीक है, ये मोनोपोलिस्टिक का और ये किसका आपका मोनोपोली का। और ग्रुप की इक्विलिब्रियम की वही बात है भाई आपकी कंडीशंस की, कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फर्म्स एंड दी जो आउटपुट है वो सबका सेम आना चाहिए, ये वाला, ठीक है, आई बात समझ में, ये क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर टच करेगा ये, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू यहाँ टच करेगा इक्विलिब्रियम में, आउटपुट पे इक्वल हो जाएंगे ना, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब किसमें वो तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है इसमें भी, लेकिन वो ग्रुप लगा लीजिए आप कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से आप अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके आते हो, वो सेलिंग कॉस्ट होता है और यू शेप की होती है, ये भी याद रखना, सेलिंग कॉस्ट वही आपका एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है, ठीक है, और ठीक है चलो, एक्सेस कैपेसिटी और रह गई आपकी एक ना, मैं अभी मैंने बताया आपको कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, अभी मैंने बताया था ना कि एक्सेस कैपेसिटी एसी का एसी के मिनिमम पर काटती है, लेकिन उस पर नहीं काटती, कहाँ काटती है, उसे ऊपर काटती है, ये वाली चीज़ देखिए ध्यान से, ये वाली देखिए, ये इसका मिनिमम था है ना, और ये यहाँ पर कट कर गया, ये देखो ये वाली चीज़ देखिए है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना आप, हुआ क्या है कि इसने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से ऐसा किया है, ये जो एक्सेस कैपेसिटी है जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट है, ये आपका ऑप्टिमम होना चाहिए था और ये आपका क्या है एक्चुअल आउटपुट है ना, तो ये जो डिफरेंस है ये आपकी एक्सेस कैपेसिटी है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि क्या ये वेस्टफुल है, मैं इसका आंसर पहले दे चुका हूँ कि ये वेस्टफुल नहीं है और है, वो दोनों अलग अलग लोग कह रहे हैं, लिप्सी कह रहा है कि भाई नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखो इसका यूज़ क्या हो रहा है, ये देखो मोनोपोलिस्टिक कमीशन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब इसके तो ये वेस्टेज है मोनोपोलिस्टिक का, किस वजह से आप मतलब मोनोपोलिस्टिक में क्या क्या वेस्टेज होती है, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक सेलिंग कॉस्ट होती है, एक एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी यूज नहीं करती आपने देखा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और एक कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप देखिए हर एक चीज़ के बहुत सारे कंपटीटर मिल जाएंगे आपको, तो ये जो मोनोपोलिस्टिक है ना यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, जो बनते हैं वो मैं बता दिया आपको, इक्विलिब्रियम सभी के एक जैसा, एक ये चीज़ याद रखना कि किस में क्या ज़्यादा है, यहाँ पर देखो एम आर एम सी की बोले ए आर ग्रेटर देन एम सी और एम सी ए सी से भी ज़्यादा होती है, और इस वजह से आपका क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, है ना, वो नीचे देखो एम सी नीचे अभी बढ़ रही होती है, वो अभी कम हो रही होती है, तो इस चक्कर में ये आपका मतलब क्या होता है, क्या कह रहा हूँ मैं आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, एक तो ये क्वेश्चन मोनोपोलिस्टिक का इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछे तो सभी यही रहेगी, एक क्या कमाएगा शॉर्ट रन में सभी कमाते हैं यही और लॉन्ग रन में क्या कमाते हैं, ये क्वेश्चन आता है, मोनोपोली के क्वेश्चन और परफेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, अब कल हम ओलिगोपोली पढ़ेंगे तो उसमें और क्वेश्चन, तो कल आपका लास्ट क्लास होगी आपकी किसकी इकोनॉमिक्स की, तो फिर कल इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा और वो आर भी फ्राइडे फिर पूरा टेस्ट देखेंगे, ठीक है।